हेलो गाइस, मैं कार्तिकेय आपका स्वागत करता हूँ कार्तिकेय फिल्म्स में। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग की। व्हाट इज वीडियो एडिटिंग, व्हाई वी हैव टू एडिट वीडियोस, व्हाट सॉफ्टवेयर वी नीड टू डू इट, और हम इसी के साथ बात करेंगे थोड़ा बेसिक एडिटिंग के बारे में। मैं अभी इसमें थ्योरी ही बता रहा हूँ, ये मेरा इंट्रो है, लाइक कि कैसे वीडियो को एडिट करें और इस सब चीज़ों की थ्योरी। तो आप इस सीरीज़ की सारी वीडियोस को देखें। तो चलिए हम देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो एडिटिंग क्या है। वीडियो एडिटिंग एक वीडियो को एडिट करना, कोई भी वीडियो जो आप अपने मोबाइल से शूट करते हो, कोई कैमरा से होता है, कोई फिल्म शूट होती है, हर चीज़ में आजकल जो भी वीडियो आप मोबाइल पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, वो सारी वीडियोस एडिट हुई ही होती हैं। टीवी देखते हैं, जो टीवी में सारे ऐड आते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वो सारी न्यूज़ भी एडिट होती है। तो वीडियो एडिटिंग क्यों 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 ज़रूरी है कि वीडियो को एडिट कर ऐसे ही ना डाल दें। तो गाइस, वीडियो एडिट करना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं पर मैंने भी बहुत सारे कट लगाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें कई बार वीडियो में नहीं दिखानी होती है, इसीलिए हम वीडियो को एडिट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वीडियो में साउंड अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हमें वीडियो एडिट करनी होती है कि वीडियो का साउंड हम अलग से साउंड को ले जाएंगे, फिर उसी में साउंड को रिड्यूस करेंगे, जो नॉइस आ जाती है, रिंग्स आ जाती है, जो अनवांटेड आवाज़ें आती हैं, उन सबको हटाना होता है, उसके लिए हम वीडियो को एडिट करते हैं। और वीडियो में और भी चीज़ें होती है गाइस, जैसे हमें वीडियो का जैसे कोई वीडियो डार्क है, जैसे ये मेरी वीडियो थोड़ा अंडर एक्सपोज है, इसको मैंने कलर करेक्ट किया है और थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करना, ये सारा वीडियोस में आता है। वीडियो में ग्राफिक भी आता है कि आप ग्राफिक ऐड कर रहे हैं साथ में, कि किस तरीके से आपकी वीडियो अच्छी लगे। एक होता है वीडियो एडिटिंग, जैसे वीडियो एडिटिंग पार्ट होता है, लाइक अगर आप फिल्म मेकिंग, किसी भी फिल्म मेकिंग और वीडियो मेकिंग में एक स्टेप, तीन स्टेप होते हैं, जैसे कि प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो गाइस, पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट होता है वीडियो एडिटिंग, जिसमें आपकी वीडियो एडिट की जाती है, रफ कट लगाते हैं और फाइनल भी एडिट उसी में होती है। पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें वीडियो एडिटिंग एक प्रोसेस है। और वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। सारे सॉफ्टवेयर का रोल यही होता है कि हमें एक अच्छी सी वीडियो एडिट करके देना, बट मैटर ये करता है कि आप किस सॉफ्टवेयर में कंफर्टेबल हो। लाइक जैसे मैं डाविंची रिजॉल्व में भी वीडियो एडिट कर लेता हूँ, फिल्मोरा में भी कर लेता हूँ, कैमटेशिया में भी कर लेता हूँ, एडोब प्रीमियर प्रो में भी कर लेता हूँ, आफ्टर इफेक्ट में भी कर लेता हूँ, और साथ ही साथ एडोब फोटोशॉप में भी वीडियो एडिट हो जाती है बेसिक थोड़ा बहुत। और गाइज, आपको मैं बता दूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत भी वीडियो एडिट करना चाहते हैं, तो वीडियो एडिट हो जाती है विंडो के सॉफ्टवेयर है, विंडो में भी एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें भी वीडियो एडिट हो जाती है, तो आप उसमें भी वीडियो एडिट कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। और कुछ फ्री सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ओपन शॉट है, वो भी वीडियो एडिटिंग का फ्री सॉफ्टवेयर है। तो गाइस, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को भी मैंने स्टार्टिंग से एडिट किया है। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इंट्रो लगाया है, जो मैंने अलग से आफ्टर इफेक्ट में बनाया था, उसमें लाइक आप कह सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग एक चीज़ है, वीडियो डिज़ाइन उसी में एक चीज़ है, और उसी डिज़ाइन में मोशन डिज़ाइन किस तरीके से डिज़ाइन करनी है, वीडियो को डिज़ाइन भी किया जाता है। एडिट होता है कि आपने ट्रिम किया, कट किया, म्यूज़िक ऐड किया और कुछ स्मूथ किया, वीडियो को स्पीड अप किया, स्पीड डाउन किया, इस तरीके से वीडियो में वीडियो एडिटिंग होता है। तो गाइज, अब हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर बेसिकली मेन यूज होते हैं इंडस्ट्री में। तो गाइज, इंडस्ट्री में बेसिक जो मेन सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोफेशनल द्वारा यूज़ किए जाते हैं, वो है एविड मीडिया कंपोजर, डाविंची रिजॉल्व, एडोब प्रीमियर प्रो। ये कुछ मेन सॉफ्टवेयर हैं, लाइक अभी फिल्मोरा भी, ओपन शॉट और FCP, फाइनल कट प्रो, जो मैक के यूजर्स द्वारा यूज़ किया जाता है, और आई मूवी मेकर और कैमटेशिया, ये बहुत सारे ऐप्स हैं, बट मेन इंडस्ट्री में जो अभी चलते हैं, डाविंची रिजॉल्व, एविड मीडिया कंपोजर, एडोब फोटोशॉप, और आफ्टर इफेक्ट इंट्रा डिज़ाइन के लिए, लाइक वीडियो डिज़ाइन, लाइक हमें कुछ टेक्स्ट को डिज़ाइन करना है या कोई इफेक्ट डालना है, VFX डालना है, तो वो उसी आफ्टर इफेक्ट से हो जाता है।
तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं, यहाँ पर मैं लिस्ट दे दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड कर लिए, हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। उनको यूज़ करने से पहले आप पढ़िए कि वीडियो एडिटिंग, जैसे मैंने अभी बताया ना बेसिक, मैं इसके बाद एक ट्यूटोरियल लाऊंगा जिसमें बताऊंगा बेसिक वीडियो एडिटिंग क्या होती है, जिसकी मैं थ्योरी बताऊंगा कि बेसिक वीडियोस में आप क्या क्या कर सकते हैं। कि लाइक जैसे कोई आप यूट्यूब अपना स्टार्ट करें, जैसे मैंने स्टार्ट किया है, तो बेसिक एडिट होती है, आपने कट किया, जैसे कि आपने वीडियो को कट किया, ट्रिम कट करके एक दो वीडियो को साथ में जोड़ा, म्यूजिक ऐड किया, कोई अच्छा था आपने वीडियो बनाया, जैसे इंस्टाग्राम जैसे रील चलती है, रील में क्या होता है आप एक शॉट ले लेते हैं उसके अंदर एडिट करते हैं, वो भी एक टाइप से वीडियो एडिटिंग ही है कि आप उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट डाल रहे हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ रहा है, बट यहाँ पर आपको मैनुअली करना पड़ता है। विंडो में भी आप जो सॉफ्टवेयर मिलता है उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब के लिए वीडियो अगर आप व्लॉग बना रहे हैं जिसमें ज़्यादा एडिट नहीं करना है आपको, आप नहीं चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी एडवांस एडिटिंग दिखाना कि हम अच्छे अच्छे ट्रांजिशन डालेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे, तो हम एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ कर सकते हैं। कंपनी स्टैंडर्ड भी एडोब प्रीमियर प्रो है। एडोब प्रीमियर प्रो में आप लाइक कॉर्पोरेट्स वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, जो बायजूस की वीडियो आती है उसको, वो भी एडिट होती है एडोब प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट यूज़ करके। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इतना ही था हमारी वीडियो में, अब हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए जो वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या फिर जिन्होंने यूट्यूब चैनल चालू किया है और वो इंटरेस्टेड हैं कि वीडियो एडिटिंग जानना चाहते हैं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। थैंक यू।